में जी नहीं पावा। बेटे मरियम ने तो तुम्हें शायद बता दिया हो कि हम आज क्यों आए हैं। दरअसल मैं चाहता हूँ कि आई एम रियली सॉरी टू कट यू ऑफ अंकल, बट एक बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे आपसे। क्या ये बात सच है कि कुछ साल पहले आर्यन जो है वो कुछ 6 महीने के लिए किसी मेंटल रिहैब में एडमिट था? शहरी, क्या बोल रहे हो तुम? मैं नहीं कह रहा मरियम, इस फाइल में लिखा हो मरे, मैं देख सकता हूँ फाइल? ये आर्यन की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट है। तुम्हारे पास कैसे आई? तुम आर्यन की जासूसी कर रहे हो? मेरी बहन का रिश्ता हो रहा है आर्यन के साथ, थोड़ी बहुत छानबीन तो कर ही सकता हूँ मैं। बात वैसे ये अहम नहीं है कि मैंने आर्यन की जासूसी की है या नहीं, बात ये अहम है कि जो फाइल में लिखा हुआ है ये सच है कि नहीं। ये सच है। आर्यन को हमने रिहाब में भेजा था, ये थोड़ा सा मसला था ऐसा कि ही नीडेड रिहाब, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद हिम। लेकिन सर आपने ये बात तो हमें बताई नहीं, हमसे क्यों छुपाई? मुझे क्या पता कि आर्यन को पागलपन के दौरे पर से पड़ते हैं कि नहीं पड़ते। जैसे तुम पागलपन के दौरे कह रहे हो ना, इसको डिप्रेशन कहते हैं। ये मुझे भी हो सकता है, तुम्हें भी हो सकता है, मगर आर्यन अब बिल्कुल नॉर्मल है। मैं कैसे यकीन करूं इस बात का? तुम्हें जो कहना है खुलकर कहो, सीधे पॉइंट पर आओ। अंकल प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिएगा, बहुत प्यार करता हूं अपनी बहन से, उसका रिश्ता जहां हो रहा है वो तो मुझे देखना ही है, क्योंकि एक वक्त था जो हमने साथ गुजारा है, अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है, और मैं अपनी बहन के लिए नहीं चाहता। मतलब किस चलाकी से उसने पुलिस से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली आर्यन की, और फिर पागलखाने से रिपोर्ट्स भी निकलवा आया। यार ही इज टू गुड। यार मुझे तो वो लड़का कहीं से पागल नहीं लगता, मेरी मानो तो इस किस्से को यही खत्म करना है। और ये किस्सा खत्म नहीं होगा, ये किस्सा तो अभी शुरू हुआ है, और ये किस्सा खत्म होगा आर्यन की बर्बादी पर, समझ आया? तो शहरी की बहन का क्या होगा? इट इज ऑब्वियस कि वो उससे प्यार करती है, उसे लाइक करती है, क्या वो हमारे शहरी की बातों में आ जाएगी? तब ये तो शहरी पर डिपेंड करता है कि वो क्या प्लान करता है, पर एक बात तो तय है कि शहरी अपनी बहन का हाथ कभी भी अपने दुश्मन के हाथों में नहीं दे। मैं तुम्हारे सारे कंसर्न समझता हूँ, एक प्यार करने वाला भाई अपनी बहन के बारे में इसी तरह महसूस करता है जैसे तुम महसूस कर रहे हो, लेकिन आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि वो फिट्स जो आर्यन को पढ़ते थे वो एक
एक बहुत छोटा आरजी दौर था. Now he's perfectly all right. He's fit. I hope so. I hope so. ऐसा ही हो. But तुझे तो कोई गारंटी चाहिए होगी ना? Jerry. मतलब मैं कैसे मान लूँ कि आर्यन मेंटली स्टेबल है? मुझे क्या पता कि आर्यन को पागलपन के दौरे अभी भी पड़ते हैं या नहीं पड़ते? कम से कम उसे प्रूफ तो करना चाहिए. Sherry, तुम कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हो. ये बात प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ ज्यादा नहीं, बस 3 महीने तक ये जो तुम्हारा गुस्सा है इसे कंट्रोल करना पड़ेगा. एक अच्छी सी स्टेबल जॉब ढूंढो. और हाँ, मरियम और तुम्हारे बीच कोई मुलाकात नहीं हो सकती जब तक. What? Are you crazy? ये कैसी शर्त है? मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी. तो करो मुकम्मल. कर रहा हूँ. मैंने सुना है आर्यन तुम बहुत काबिल ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो. मरियम ने मुझे बताया था, है ना? तो एक अच्छी सी जॉब ढूंढ के सेटल हो जाओ. अंकल, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस. आपको नहीं लगता कि शादी के बाद आर्यन और मरियम अगर आपके खर्चे पे पले तो? नहीं ना, तो उसको मेरी शर्तें मान लेनी चाहिए. शरीफ, ये कैसी शर्तें हैं? ये तो बेवकूफी है ना? मरियम, भाई हूँ तुम्हारा, अपना फर्ज मुझे पूरा करने दो. अगर आर्यन शर्त मान लेता है तो ठीक है, मैं नहीं आ सकता तुम्हारी शादी में. सर, खाना खा के जरूर जाइएगा प्लीज. शरीफ, बैठो उनके पास. मेरी बात सुनो. बैठो. अंकल, आई एम रियली सॉरी. वो एक्चुअली शरी कुछ भी बोल देता है. अंकल, मैं आपसे तुमसे किला इस बात का नहीं है कि तुम्हारे भाई ने मुझे अपने घर बुला के इंसल्ट किया. कि मुझे दुख इस बात का है कि आज पहली बार तुम्हारी खातिर मैंने अपने बाप को अपनी खुशी में शामिल किया. तुम्हारे भाई ने सब बर्बाद कर दिया. नहीं, बात सुनो, मैं शहरी से बात करती हूँ. आर्यन, डोंट वरी, मैं आर्यन से बात. मैं आर्यन को देख के आता हूँ. ओके अंकल, आप प्लीज आर्यन को समझाएं. मैं आप क्या क्या जोड़ शहरी ऐसा है नहीं. हमारा हर किस मतलब नहीं था कि हम आपको संगल इंसल्ट करें. आई अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू मी. रिलैक्स, आई विल हैंडल एवरीथिंग. मरियम, मरियम तुम ठीक हो? वो चेरी आर्यन के यहाँ पे बैठे थे, उनकी बहस हुई. मुझे समझ नहीं आ रहा शेरी के पास ये रिपोर्ट्स का. मुझे आई डोंट नो वो रिपोर्ट्स कहाँ से लाए. कुछ करते हैं, तुम फिक्र नहीं करो. बहुत गलत. आर्यन, मेरी बात सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता यार सर, जिस वक्त तना छोड़ दो वरना मैं तुमसे भी लड़ पड़ूंगा. लेकिन आर्यन, हम सब साथ यहाँ अंकल की गाड़ी में आए हैं. तुम 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. Why are you being so unreasonable, यार? रुको. तुम 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जहाँ जाना है. खुदा के लिए साहब, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं कुछ कर बैठूंगा. आर्यन, आर्यन, can you listen? आर्यन, एक सेकेंड रुको यार. आर्यन रुको, समझने की कोशिश करो. ये शहरी की चाल है, वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. यार सर, पापा के साथ घर चले जाना, वो परेशान हो रहे होंगे. और मेरी फिक्र मत करना, मैं घर वापस आ जाऊंगा. क्यों मिस्टर आर्यन, कैसा लगा मेरा पहला बार? मजा तो बहुत आया मुझे तुम्हें यूं तड़पता देखकर. मगर ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है बेटा. अभी तो ऐसे जाने कितने जख्म देने हैं मैंने तुझे. बस देखते जाओ,
मेरा खेल तो अभी शुरू हुआ है। तीन महीने तक ये जो तुम्हारा गुस्सा है इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। एक अच्छी सी स्टेबल जॉब ढूंढो। और हाँ, मरियम और तुम्हारे बीच कोई मुलाकात नहीं हो सकती जब तक। मुझे क्या पता कि आर्यन को पागलपन के दौरे अभी भी पड़ते हैं या नहीं पड़ते। कम से कम उसे प्रूफ तो करना चाहिए। क्या कह रहे हो ये तुम? ये कैसी शर्त हुई यार? यार पता है सारा मूड खराब कर दिया उसने। हम इतनी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ गए थे, सब बर्बाद कर दिया उस इडियट शेरी ने। और आर्यन कैसा है? अभी कहाँ है वो? कैसा हो सकता है, बिल्कुल बुझ गया था उसका चमकता हुआ चेहरा। मुझे तो डर लग रहा था कि वो उठ के शेरी को चमाट मार देगा, लेकिन थैंक गॉड उसने कंट्रोल कर लिया। और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया? और मैं क्या कर सकता हूँ टीना? उसके पीछे जाना चाहिए था ना यार। यहाँ बैठ के कॉफी पी रहे हो, मुझे यहाँ बुलवा लिया। तो तुम क्या सजेस्ट करती टीना? जैसे ही मरियम के अपार्टमेंट से निकले हैं, उसने मुझे कोई लंबा चौड़ा एक्सक्यूज दिया और ना जाने कहाँ चला गया। मेरा पूरा दिल था कि मैं उसके पीछे जाऊँ, लेकिन आई थिंक राइट नाउ उसे थोड़ी वक्त की जरूरत है और प्राइवेसी की जरूरत है, तो मैं उसे वो स्पेस दे रहा हूँ। ओके, आई गेस तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन देखो, कल सुबह हम सीधा उसके पास जाएंगे, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। डन, आई एग्री। ठीक नहीं किया शेरी ने ये शर्त रख के, बेचारा आर्यन। क्या कहा था मैंने, दिल अभी टूटा नहीं है, दिल अभी टूटा नहीं है, अभी तो टूटेगा। क्या कहा था मैंने तुम लोगों से, ऐसी लगा ले आके मारूंगा कि पानी भी नसीब नहीं हो। लेकिन शेरी, तुम तो उसको 3 महीने का चैलेंज दे आए हो, और अगर तुम्हारा चैलेंज उसने पूरा कर लिया तो फिर क्या होगा? नहीं उतरेगा चैलेंज पे पूरा। उसका जो टेम्परमेंट है ना, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वही उसे ले डूबेगा, चैलेंज नहीं पूरा कर पाए। और उसका सबर आजमाने के लिए हम लोग हैं ना। क्या गेम किया है शहरी तूने, मजा ही आ गया। अब आएगा मजा। लेकिन अभी कुछ दिनों तक मोहतात रहना है हमने। मेरी बहन को ये शक नहीं होना चाहिए कि हम चारों उसके रास्ते में खड़े हैं।
खुदा तुझसे क्या मैं कहूं, यादें तेरी थी रात मेरी जिंदगी से कहां तू गई, अलविदा कहा भी नहीं। मुझे तुमसे गिला इस बात पर नहीं है कि तुम्हारे भाई ने मुझे अपने घर बुलाकर इंसल्ट किया, बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि आज पहली बार जिंदगी में तुम्हारी खातिर अपने अब्बा को अपनी खुशी में शरीक करने के लिए लाया और अरे भाई ने सब बर्बाद कर दिया। हेलो, कॉफी पियो। क्या हाल बना रखा है अपना तुमने, और कहाँ थे तुम कल पूरी रात? यही था, मैंने कहा जाना? हम पूरी रात तुम्हें तलाश कर रहे थे आर्यन। तुम्हें पता है मरियम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी? ये सारी परेशानियां उसी के लाडले भाई की पैदा करता है। आर्यन तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, तुम्हें अगर लगता है कि ये शहरी की कोई चाल है तो तुम अपना टेंपर लूज करके उसको सही क्यों साबित करना चाहते हो? ये चीजें तुम लोगों को नजर आ रही हैं, तो मरियम क्यों नहीं समझ रही? क्यों उसने एक ही रट लगा कर रखी अपने भाई की मर्जी पर चलने की? वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है आर्यन, लेकिन वो एक बहन भी है, वो क्यों अपने भाई के खिलाफ जाएगी? तुम उसकी मजबूरी समझो मेरे भाई। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो, कि मैं शहरी की फजूल और अहमकाना बातों को मानकर हाँ कह दूं? मतलब मुझे अपनी मोहब्बत उस शहरी जैसे इडियट को प्रूफ करनी? नहीं नहीं भाई नहीं, किसने कहा तुमसे? यू डोंट नीड टू मेरी जान, मगर इस बात बात मरियम की है और उसकी मजबूरी समझो मेरे भाई, वो अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। ठीक, मजबूरी मरियम की है ना, मेरी तो नहीं। अभी जाता हूँ उसके पास, गाड़ी की चाबी निकाल। नहीं आर्यन स्टॉप इट, तुम बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हें क्या करोगे अभी जाके तुम उधर? आर्यन यार तुम कहाँ रह गए थे सारी रात? मरियम इतना परेशान हो रही थी। मरियम किधर है? कुछ जरूरी बात करनी है बच्चों से। Tell it's very urgent. आ ऊपर ही, ऊपर ही। कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ? चलो मेरे साथ, हम भी चलकर निकाह करेंगे। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं जा सकती। मुझे अपने भाई की तरह पागल और जुनूनी समझती हो? नहीं,
ऐसी बात नहीं है। तुमने मेरे साथ चलने से इनकार क्यों किया? आर्यन, क्योंकि मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि तुम जनूनी और पागल नहीं हो। तुम बहुत अलग हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। Are you serious? मतलब तुम भी शहरी वाली बातें दोहरा रहे? नहीं यार। Kim, you know this very well. That all of this is absolute rubbish. हमें जुदा करने के लिए ड्रामे रचा रहा है यार, खेल खेल रहा है वो। Don't you understand? बात सुनो, अगर वो ऐसा कर भी रहा है, प्लीज आर्यन मेरी बात सुनो, अगर वो ऐसा कर भी रहा है, ऐसा ड्रामा कर रहा है, तो प्लीज उसकी बात सुन लो ना। तुम उसे बता दो कि तुम हर शर्त कबूल कर लोगे। हाँ, तुम कर सकते हो आर्यन, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम कर सकते हो ना, है ना? I can't believe it. मतलब तुम भी अपने भाई की बातों में आ गए। इसलिए मुझे और मेरी मोहब्बत को इस इम्तिहान और इस भाई से गुजारना चाहती हो? Listen, I'm not interested. आर्यन, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। अगर वो तुम्हें कह भी रहा है, आर्यन प्लीज शेरी को समझो, वो अगर इनसिक्योर है, हमारा बचपन तुम जानते हो कैसा गुजरा है, प्लीज इस बात को समझो। अगर वो कुछ भी कह रहा है, उसकी बात को सुन लो ना यार, मेरे पास वो ही तो है और उसके पास मैं ही तो हूँ। और फिर मैं देख रही हूँ ना, मैं फ्यूचर के बारे में देख रही हूँ, तुम नहीं देख रहे हो। तुम्हें नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बात कर। मतलब मेरा शक ठीक निकला ना? तुम दोनों बहन भाई अपनी इनसिक्योरिटीज का बदला मुझसे ले रहे हो। अगर मुझे अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किसी टेस्ट से गुजारने की जरूरत नहीं है मरियम, और तुम्हें अपना भाई ठीक लगता है ना, तो लिव विद इट। मैं तुम्हारे बगैर रह लूंगा। कर दिखाऊंगा। नहीं, अभी भी नंबर बंद जा रहा है। बहुत गुस्से में गया है यहाँ से। यार मरियम, तुम भी कमाल करती हो ना, मैं पता है वो कितना वॉलेटाइल है, आराम से बात करती। यार आराम से ही बात की थी मैंने उससे, बहुत प्यार से समझाया है, पर वो बात की ग्रेविटी को समझ ही नहीं रहा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। कहाँ जाएगा, घर ही आएगा ना वापस। मसला यह नहीं है, मसला यह है कि वो शहरी की किसी भी शर्त को कबूल ही नहीं करना चाहता। इस बारे में क्या करूं मैं? ये तो मसला है भाई, क्योंकि फिर शहरी को लगेगा कि वो सच में अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता, उसका शक यकीन में बदल जाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हिम। मेरे और शहरी के डायनामिक को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा।
भाई है यार मेरा, मैं ऐसे तो नहीं मैं अगेंस्ट जा सकती ना उसकी। अच्छा ना तुम रो तो मत, इट्स ओके, हम कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं ना इसका। ये लो पानी पियो। नहीं बेटा अभी तक नहीं आया, कहीं बैठा होगा तन्हा, अपने आप से लड़ रहा होगा। इस सब का क्या पॉइंट है अंकल, मैं भी उसी की टीम में हूं ना, मुझसे तो बात करे, मुझसे ना बात करके उसे क्या मिलेगा। समझाऊंगा बेटा, पर तुम जानती हो वो कितना जिद्दी है। जब उसकी माँ हमें छोड़कर गई ना, तो उसने अपना माँ का दिया हुआ नाम तब्दील कर लिया था और अपने स्कूल फेलोज के साथ मशवरा करके आर्यन नाम रख लिया, उस जमाने का कॉमिक बुक हीरो। अंकल मैं समझ सकती हूँ कि आर्यन इस वक्त क्या फील कर रहा है, उसका बचपन बहुत टफ गुजरा है, मगर आप उसे भी तो समझाएं कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो उसके लिए और अपने लिए ही तो कर रही हूँ, और शेरी ने भी तो हमारी बेहतरी की ही बात की है। अगर आर्यन मेरे साथ कॉपरेट नहीं करेगा तो हम ये जंग कैसे जीतेंगे। हाँ बेटा मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में वो आ गया है, मैं करता हूँ बात। रमजान। जी साहब। वो आर्यन आए हैं, उनको बाहर भेज दो मेरे पास। जी बेहतर। जी बाबा आपने मुझे बुलाया। हाँ बेटा आप मरियम से मिलने गए थे तुम आज। जी अगर वो भी अपने भाई की बोली बोलने लगी। देखो बेटा मरियम की पोजीशन समझने की कोशिश करो, वो दोनों तरफ से प्रेशर ले रही है। तो ना ले प्रेशर, इसलिए मैंने खुद पीछे हटने का फैसला कर लिया। उसे अपने भाई के सामने मेरी सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी शेरी की फजूल शर्तों में पूरा नहीं उतरने वाला। मोहब्बत में ऐसे एकदम से बाहर नहीं निकला जाता। एक बार फिर तुम गुस्से और जज्बात से अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला जो है वो करने जा रहे हो, शायद ये गलत साबित हो। तो आप ही बताएं क्या करूं मैं, बच्चों की तरह शेरी के दिए हुए क्वेश्चन पेपर के सवालों के जवाब देता रहूं। मतलब आपने भी शेरी की साइड ले लिया। भाई आई एम नॉट ऑन एनीबॉडीज साइड, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम एक दफा खुल के बैठ के डिस्कस करो मरियम के साथ, क्या हर्ज है इसमें। आप जानते हैं मुझे अपनी जस्टिफिकेशन देने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मुझे अपने आप को किसी के सामने प्रूफ करने की जरूरत है। बेटा मोहब्बत में अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी को जस्टिफिकेशन देते फिरो, लेकिन वो लोग जो आपकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं, आपको कुछ करके दिखाना है ताकि उनको पता लगे कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर तुम्हें मुनासिब लगे बेटा go and meet her, इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। It's your own decision now. फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा, मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ। किसी से बात करने को मन नहीं कर रहा, खुद से भी नहीं। आर्यन ऐसे क्यों करते हो, एकदम से इतने अजनबी क्यों बन जाते हो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ एक्सट्रीमिस्ट हूँ मैं अपने जज्बों में, मुझे नहीं आती लगी लिपटी रखना।
मैंने कब कहा है कि बदलो? तुम्हारा यही सादापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि सारा गुस्सा तुम मुझ पे निकालो। आर्यन, कुछ रिश्ते बहुत स्पेशल होते हैं और उनको ये बताना बहुत जरूरी होता है कि वो स्पेशल है। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना भी बहुत जरूरी होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेशक थोड़ी देर के लिए, पर मुझे एक्चुअली लगा कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूं। ऑफ कोर्स तुम स्पेशल हो, और तुम ये जानती हो। अगर स्पेशल हूं तो इतना गुस्सा क्यों है? मुझे भी बताओ कि मैं स्पेशल हूं, मुझे एहसास दिलाओ। क्या चाहती हो यार, कैसा एहसास हो तुम्हें? अगर कोई तुमसे तुम्हारी मोहब्बत का सबूत मांग रहा है तो दे दो ना यार, इसमें क्या मुश्किल है? मेरे लिए इतना नहीं कर सकते आर्यन? मगर वो तुम्हें और मुझे 3 महीने के लिए जुदा करने की शर्त लगा कर बैठा है। तो आर्यन, are you serious? 3 महीने की बात है। लिसन, अगर तुम और मैं एक दूसरे से 3 साल भी दूर रहे तो तुम और मैं एक दूसरे के लिए जो फील करते हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और 3 महीने की क्या बात है, ऐसे खत्म हो जाएंगे। और फिर एक्चुअली मजा भी इसी बात का है, इतने अरसे बाद हम एक दूसरे से मिलेंगे और फिर मैं भी देखूंगी कि तुमने मुझे कितना मिस किया। वैसे ये तुम्हारे भाई को फिल्मी बंद कर फिल्मी टाइप शर्तें रखने का बहुत शौक नहीं है? एक्चुअली पता है, मैं भी ये सोच रही थी, पर ठीक है, फिल्मी है तो फिल्मी ही से ठीक है। ठीक है, अब तुमने ये भी कह दिया है तो तुम्हारी खातिर ये भी सही। अब खुश? बहुत खुश। गॉड, अब तक तो उन दोनों की मुलाकात हो जानी चाहिए थी। वही तो, अभी तक तो आर्यन या मरियम का फोन आ जाना चाहिए था। कहीं मरियम से लड़ी ना बैठा हो, एक तो लड़के के मूड की समझ में नहीं आती मुझे। हाँ यार आरी, किधर हो? तुम्हें पता है हम कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे हैं? चलो बताओ क्या हुआ। ओके ओके, ठीक है, चलो मिल के बात करते हैं। ओके बाय। क्या हुआ? हुआ ये कि आर्यन मान गया। यस, फाइनली, थैंक गॉड। आई डिडंट थिंक वो मानेगा, लेकिन थैंक गॉड। तो बात पक्की है, हम 3 महीने तक नहीं मिलेंगे। हाँ, और आपने ये बात अभी अभी सैम को फोन पे बताई है, इसीलिए एक्सेप्ट कर ले। I'll miss you. I'll miss you too. अपना बहुत ख्याल रखना, and promise me, हर रोज इसी वक्त शाम में ढलते सूरज को देखकर तुम मुझे याद करोगे। तुम भी मुझसे एक वादा करो कि अपने गुस्से पर काबू रखोगे, किसी से नहीं लड़ोगे, किसी से झगड़ा नहीं करोगे। I will. पर जब मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा तो उस वक्त क्या करूंगा? तुम भी इस ढलते सूरज को अपना गवाह बना लेना आर्यन, हर बेचैनी, हर बेताबी, जो भी महसूस करो। और फिर जब हम मिलेंगे तो हम ये सब बांटेंगे,
ठीक है, फिर तुम भी अपनी हर याद संभाल के रखना मेरे लिए। चलो जा रही हो? हाँ, लेकिन इसलिए कि फिर लौट के तुम्हारे पास जा पाऊं तो हम कभी भी अलग ना हों।